मेरे इधर सिर्फ होलसेल होता है, मिनिमम 50 पीसेस होता है। प्लेस करने के लिए कैटलॉग सिस्टम नहीं है, सिर्फ सैंपल चेक करने के लिए कैटलॉग हम लोग भेजेंगे। ये वीडियो पब्लिश होते होते हो सकता है कि पब्लिश हुआ उसके बाद कोई आया ये लेके चला गया, फिर ये नहीं रह सकता मेरे पास। ब्रांड बिल के नाम पे जो धोखा होता है वो चीज मैं आज क्लियर आउट कर दूंगी वीडियो में। आपके पास इसका कोई बिल वगैरह है? बिल्कुल, इसको बोलते हैं ब्रांड बिल। देखिए ये देखिए इसमें बीबा फैशन लिमिटेड, ब्रैकेट में रंगरेजी लिखा है, बीबा का सब ब्रांड है ये। रंगरेजी का लोगो रहेगा, इधर बारकोड रहेगा, मेरा देखिए, मेरा वेंडरशिप, मेरा वेंडर आईडी, देखिए मेरा फार्म का नाम, मेरा जीएसटी नंबर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मिंत्रा एनलिस्टेड ब्रांड में ही सिर्फ काम करते हैं ताकि उसमें ओरिजिनल जेन्युइन ब्रांड्स मिले। विद ब्रांड नेम, विद ब्रांड टैग, विद ब्रांड बिल, विद ब्रांड एमआरपी, आपको एक्चुअली मालूम पड़ गया होगा कि सरप्लस का जो ब्रांडेड माल बेच रहे विद एनओसी ब्रांड बिल के साथ और विद बहुत लोग टेंशन में रहते हैं कि ब्रांड का माल लेते अगर कोई मेरे को कोई दिक्कत आया तो। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको वेलकम टू क्रिया क्रिएशन मुंबई। मेरा जो काम है, मेरा लेडीज सरप्लस गार्मेंट्स का काम है, जो सारा ब्रांड में काम होता है, और जो भी ब्रांड है सारा ऑनलाइन ब्रांड या फिर जो ब्रांड आपको मॉल में स्टोर दिखने को मिलता है वो सारा ब्रांड का, प्रीमियम ब्रांड्स का मेरे पास आपको स्टॉक मिल जाएगा। हम लोग लेडीज में वेस्टर्न टॉप से स्टार्ट करके जम सूट, वेस्टर्न ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस, कुर्ती, कुर्ती प्लाजो सेट, नाइट सूट, बॉटम सब रखते हैं। आपके प्राइस स्टार्ट कैसे होता है? टॉप्स का जो रेंज स्टार्टिंग है वो है ओनली 75 से। 75 से? हाँ जी, 75 का जो मेरा पॉलिसी है बता देती हूँ। पर्टिकुलरली 75 रुपीज के लिए वो क्या रहता है, वो आपको बंच पूरा सिस्टम है 75 रुपीज में। उसमें आपको मैं सैंपल दिखा देती हूँ, ये देखिए ये आएगा 75 रुपीज का सैंपल, ऐसे ये सब क्रॉप टॉप आएगा। ये ब्रांड आप देखोगे मिंत्रा एनलिस्टेड ब्रांड है, ठीक है, इसमें भी आपको मिल जाएगा एनवी। हाँ एनवी, इसका ये देखो, ये सारा ब्रांड का आपको ये सारा चीज आपको आएगा 75 रुपीज में। सिर्फ टॉप टॉप्स आएगा, उसका क्या रहता है, उसका ऐसे पूरा बंच सिस्टम किया हुआ है, ठीक है, ये देख लो, ये पूरा बंच, ये 75 रुपीज का माल बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है, मेरा हर हफ्ते स्टॉक आता है, एवरी वीक डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड आता है और ब्रांड निकालते रहते हैं। तो क्या होता है, सोचिए किसी में 10,000 पीस आया, उसमें 100-150 पीस बच गया, तो वो क्या करते हैं, वो सब हमने एक जगह पर रखे, सारा सारा एसॉर्टेड सिंगल सिंगल पीसेस रह गया है, तो वो पूरा बंच सिस्टम हमने कर दिया है। और उसको ये बंच का जो सिस्टम है उसमें आपको मिनिमम 5 बंच लेना होगा, एक बंच में 20 पीस है, मतलब टोटल 100 पीस आपको लेना है, ठीक है, उसमें सिलेक्शन कुछ नहीं होगा। हाँ बंच आप ऊपर से सिलेक्शन कर सकते हो कि ये बंच मेरे को चाहिए, वो बंच चाहिए, वो आप कर सकते हो। साइज का क्या मिल जाएगा? साइज उसमें स्मॉल से लेके डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल तक आपको साइज मिल जाएगा, ठीक है। 75 रुपीज में उसका मैंने सैंपल दिखा दिया। अभी जो मेरा रेगुलर रेंज स्टार्ट होता है वो 89 से, अभी बहुत प्रीमियम ब्रांड्स आए उसमें 195 तक रेंज मेरे पास, जो चॉइस कर सकते हैं, जिसका आप सिलेक्शन करके ले सकते हैं। मिनिमम 50 पीसेस आपको लेना होगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, जो लोग वेयर हाउस विजिट करे उनको भी 50 पीसेस लेना होगा, जो वीडियो कॉल के थ्रू ऑर्डर प्लेस करे उनको भी 50 पीसेस लेना होगा, ठीक है। अभी मैं सैंपल्स दिखा देती हूँ, देखिए ये 89 का है, नहीं ये 89 का नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड है, काजू बोल के एक ब्रांड है, इसका आप देख लो एमआरपी है 1990 का एमआरपी है, ये वाले ब्रांड का आएगा। इसमें आपको 170-195 ऐसे रेंज में आपको ये ब्रांड मिल जाएगा। बाकी जो मेरा 89 वाला 89 से 149 तक का रेंज है वो भी मैं दिखा दूंगी। मतलब आपको हर एक चीज पॉलीपैक मिलेगा? बिल्कुल, और ये सारा जो है तो आपको ऐसा नहीं कि आपको खुद निकाल के, नहीं नहीं बिल्कुल, सब सिंगल पैकिंग रहता है पूरा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है सब। और ये सारा जो आइटम है सारा स्कैनेबल है, आप गूगल लेंस पे जाके जब डालोगे इसको, गूगल लेंस पे जाके डालोगे तो सारा पीसेस आ जाएगा ऑनलाइन पे, सब अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए इंपोर्टेड फैब्रिक है, मैं फैब्रिक हाथ डालोगे तो समझ कितना हेवी फैब्रिक है, और पूरा फैब्रिक मालूम है, फैब्रिक कौन सा रहेगा, मतलब ये इंपोर्टेड फैब्रिक, इसमें देखिए ब्रांड में कोई भी ब्रांड एक कोई पर्टिकुलर फैब्रिक में काम नहीं करता है, तो सारा फैब्रिक मिला के आया। कोई कोई आके बोलते हैं मुझे सिर्फ कॉटन का टॉप चाहिए फिर रेयन का चाहिए, वैसे नहीं होता है मेरे इधर, आपको सब कुछ मिला के आपको असॉर्टमेंट मिलने वाला है, एनी साइज एनी प्राइस एनी कलर, बिल्कुल देखिए ऐसा आएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका शोरूम तो मुंबई में हर बड़े मॉल में आपको मिल जाएगा। तो मेरे इधर सिर्फ होलसेल होता है, मिनिमम 50 पीसेस होता है, एक दो पीस सिंगल पीसेस रिटेल हम लोग नहीं करते, तो रिटेल का इंक्वायरी बिल्कुल भी मत, बिल्कुल भी मत, आपको थ्रू आउट के नंबर देख रहे हैं मिल रहा है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे नंबर दिया उस नंबर पे फोन कीजिए, आपको मैडम पूरा गाइड करेंगे, आपको पूरा कैटलॉग भेज देंगे एकदम। नहीं ये कैटलॉग हम लोग ऑर्डर प्लेस करने के लिए कैटलॉग सिस्टम नहीं है, सिर्फ सैंपल चेक करने के लिए कैटलॉग हम लोग भेजेंगे कि ऐसा सैंपल है मेरे पास, बट आपको ऑर्डर प्लेस करने
करने के लिए इधर आपको वेयर हाउस विजिट करना होगा, नहीं तो वीडियो कॉल के थ्रू करना होगा। और वीडियो कॉल का जो हमारा पॉलिसी रहता है वो आपको 500 रुपीज देके वीडियो कॉल का स्लॉट बुकिंग करना होगा। जब आपका फाइनल बिल बन जाएगा 500 रुपीज फाइनल बिल। मुझे बताइए अगर आपके हाथ में अभी देख लेंगे टॉप जी, अगर ये टॉप वीडियो में कोई स्क्रीनशॉट लेके बोलते हैं मुझे नहीं, स्क्रीनशॉट से भी हम लोग ऑर्डर नहीं लेते। अच्छा, मतलब जो हमारा अभी अवेलेबल है शायद जो दो दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो ये वीडियो पब्लिश होते होते हो सकता है कि पब्लिश हुआ उसके बाद कोई आया ये लेके चला गया, फिर ये नहीं रह सकता मेरे पास। करेक्ट। और हो सकता है इसका इसका 100 पीस भी है तो वो हम बता नहीं सकते। ठीक है, ये देखो ये पूरा ऐसे कॉटन में आएगा, शिमर काजू का आएगा। हाँ, काजू का आएगा। और ये भी 195 के अंदर बिल्कुल काजू में। अभी काजू ब्रांड में मेरे पास अभी काफी स्टॉक है, टोटल अभी 30,000 पीसेस का अराउंड मेरे पास स्टॉक है। तो जिनको बल्क में भी चाहिए 5-10,000 पीस चाहिए वो भी कॉन्टेक्ट कीजिए, अच्छे रेट में दे देंगे। ये देखिए, करेक्ट, ये देखिए सब टॉप बहुत अच्छे, सब शिमर का पूरा वर्क किया हुआ है। आज का यूथ है और वो भी लेडीज माल, ये सब जो मैडम बेचते हैं जो यूथ पहनता आज का जो कॉलेज वगैरह में। बिल्कुल, अच्छा, सब ट्रेंडिंग पीसेस है और फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेड फैब्रिक है सारा, मतलब हाई क्वालिटी फैब्रिक। मैडम आप सब समझ पाएंगे, जब बोलते सरप्लस माल तो सरप्लस माल एक्चुअली होता क्या है मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इसको लेके भी लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सरप्लस मतलब बिल्कुल, बहुत लोग बोलते सरप्लस मतलब है उसमें कटा फटा आएगा, डिफेक्ट आएगा, रिजेक्टेड आएगा, वो नहीं है। सरप्लस क्या होता है, जो ये सब बड़ा बड़ा ब्रांड है ना, इन लोग का रेगुलर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एक साल में 5,000 पीस बना दिए फिर बैठ गए, ऐसा नहीं है, रेगुलर इनका प्रोडक्शन चलता है। तो क्या होता है, रेगुलर उनका नया नया डिजाइन लॉन्च होता रहता है, तो बाकी का फिर जो प्रोडक्शन होता है, और ये लोग ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी प्रोडक्शन करते हैं ताकि कोई सोचिए कि कोई शिपमेंट में कोई इशू हो गया, कुछ कुछ इन्वेंटरी में कुछ डैमेज हो गया तो फिर उनको रिप्लेस कर पाए, तो वो जो स्टॉक बच जाता है ना, जो एक्स्ट्रा स्टॉक बच जाता है, वो लोग ये सब सब जो बड़ा ब्रांड है ये लोग क्या करते हैं, उसको ही आगे एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हम लोग जो वेंडर रहते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, ये ही होता है सरप्लस स्टॉक, उसमें सारा सेम तो मतलब मैडम का मतलब ये आपको कटाफटा डिफेक्टिव माल नहीं मिलेगा, आपको ब्रांडेड माल मिलने वाला और ब्रांड के थ्रू मिलने वाला। पर मैडम इतना आपके पास इसका कोई बिल वगैरह है? बिल्कुल, ब्रांड बिल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक बहुत ही मतलब गलत कॉन्सेप्ट मार्केट में है, कि ब्रांड बिल मतलब बोलते हैं जो टैग है, जो बारकोड वाला टैग, उसको ब्रांड बिल बोल के बहुत लोग चिपका देते हैं, बट ब्रांड बिल ये नहीं होता है। ब्रांड बिल क्या होता है वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी। अभी मैं आपको टॉप्स दिखा दिया, टॉप्स में बहुत वैरायटी है मेरे पास, काफी स्टॉक है। जिनको बल्क में भी चाहिए, बल्क का जो रेंज क्वांटिटी स्टार्ट होता है 200 पीसेस स्टार्ट होता है, और उसका जो रेट होता है वो अलग होता है। उसका जो भी इंक्वायरी आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं बता दूंगी। ठीक है, और अभी मैं दिखाऊंगी आपको वेस्टर्न ड्रेस, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आए वो दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, वो दिखाने अंदर बता भी देते हैं आप कहाँ पे लोकेटेड है, आपको टाइमिंग क्या क्या है। बिल्कुल, मेरा जो है, मेरा है साकीना का अंधेरी ईस्ट। ठीक है, साकीना का अंधेरी ईस्ट में है, मंडे टू सैटरडे रहता है, 10:30 to 7:30 संडे क्लोज रहता है। ठीक है, और जिनको भी आना है वो लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम लोग लोकेशन और गूगल मैप लोकेशन शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा पार्टी वेयर पीस है, बहुत हेवी पीस है, इसका एमआरपी देख लो 4,000 का एमआरपी, 3990 का एमआरपी है। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। वेस्टर्न ड्रेसेस का जो रेंज स्टार्ट है वो होता है हमारा 149 से 450 तक। इसमें भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, जो बंडल वाला कॉन्सेप्ट मैंने टॉप्स में बताया था वो सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास ड्रेसेस में भी है। उसमें भी पूरा ऐसे 20 पीसेस का बंडल मिलेगा जो आपको 149 में मिलेगा, सिंगल पीस, उसमें भी आपको 100 पीस लेना है। ठीक है, बिल्कुल, ये सब देखो। तो मैडम अगर आपसे कोई गोल्ड गोल्ड लेता है तो उसका प्राइस अलग हो जाएगा फिर? बिल्कुल, वही मैंने बोला उसका 200 पीस से स्टार्टिंग होता है क्वांटिटी। हाँ, 200 पीस आपको लेना होगा, जो कि सामने अगर आप चाहो तो री होलसेल भी कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है, ये पूरा वेलवेट का पीस है, सामने से दिखाई बहुत अच्छा पीस है, इसका भी 4,000 का एमआरपी है। हाँ, ड्रेसेस में मेरे पास अभी ये वाले ब्रांड में अभी मेरे पास 1999 से स्टार्ट होके टोटल 5,500-6,000 तक एमआरपी का माल मिलेगा। ओके, ठीक है, वापस कह रहा हूँ, ये सरप्लस का ब्रांडेड कलेक्शन है। बिल्कुल, और जो बिल्कुल आता है मिंत्रा से, देखिए मिंत्रा की गोनी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मिंत्रा भी ब्रांड चीज बेचता है, या कोई अल्टोल चीज बेचता नहीं, ब्रांड के बिना मिंत्रा में कोई एनलिस्ट कर ही नहीं सकता। करेक्ट, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मिंत्रा एनलिस्टेड ब्रांड में ही सिर्फ काम करते ताकि उसमें ओरिजिनल जेन्युइन ब्रांड्स मिले। और मैडम मुझे बताइए आपको बिल क्या बता कह रहा है, बिल तो बिल एक बार दिखाइए प्लीज। हाँ, वो मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं ड्रेसेस दिखा के उसको दिखा देती हूँ। ओके, तो अगर आपको बिल देखना कि एक्चुअल बिल होता क्या है तो आप एंड तक वीडियो बने रहिए। ब्रांड बिल के नाम पे जो धोखा होता है वो चीज मैं आज क्लियर आउट कर दूंगी वीडियो में। करेक्ट, ये देखिए सारा वेस्टर्न ड्रेसेस आएगा, उसमें काफी कलेक्शन से बहुत बहुत वैरायटी मिलेगा, बहुत। ये देखो,
आपको फैंसी से लेके पार्टी वेयर से लेके सिंपल सोबर पीस जिनको चाहिए वो भी मिल जाएगा, सब टाइप का ये सिंपल सोबर पीस जिनके उधर उतना उतना स्टाइलिश उतना फैंसी नहीं चलते वो लोग ये सब पिक कर सकते हो, ठीक है। और जिनका नया बिजनेस है वो भी हमको कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको पूरा गाइड कर देंगे कि आपके एरिया के हिसाब से क्या लेना सही होगा, आप कितने का माल ले सकते हो, आइए जम सूट है ठीक है, वो क्या कर सकते हो, सारा सारा कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और आपको गाइड भी करेंगे प्रॉपर। मुझे बता दीजिए इस एक वीडियो के माध्यम से कि अगर 75 का या 80 का जो स्टार्टिंग रेंज आपसे कोई लेता है तो आगे कितने बेच सकता है? कुछ भी ना हो तो मेरे पास जो भी आप कुछ लो, कुछ भी ना हो तो डबल 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 मतलब 75 का 150 में सेल लगा दो, जिनका सेल का काम है 2000 का दिख रखा है। हाँ बहुत हाँ। उसका उसमें भी आपको अच्छा खासा रेट में माल मिलेगा, क्योंकि वो सब पीसेस जो है ना मेरे पास वो सारा मतलब अच्छा पीसेस है, पर क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बच गया है तो हम भी इन्वेंटरी बढ़ाना नहीं चाहते, फालतू में रख के कोई मतलब नहीं है, और जो लोग को सामने भी आगे अच्छे मतलब थोड़ा सेल लगाना है थोड़ा सस्ता वाला माल चाहिए उनके लिए भी सही है, वो लिए फटाफट निकल जाएगा। बहुत कस्टमर है ऑल ओवर इंडिया में जो क्या करते हैं ये सब सस्ता वाला माल लेते हैं, उनका रेगुलर रनिंग बिजनेस इनको 100-150 पीस हर रोज निकलता है। अच्छा। उनका तो वैसा सिस्टम है, ठीक है। अभी मैंने ड्रेसेस आपको दिखा दिया है, अभी कुर्तीज दिखाती हूँ। कुर्तीज का जो मेरा रेंज स्टार्ट है वो है 189 से अभी 380 तक है, जो ब्रांड है उसके साथ 380 तक है, जो अभी कुछ अगर हायर ब्रांड कुछ हायर प्रीमियम ब्रांड आए तो उसका रेट थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे पैकिंग में आता है पूरा, एक चीज में आप माननी पड़ेगी कि आपको हर एक चीज ये रंगरेजी ब्रांड का है, हाँ इसका स्टॉक आया है, इसका आपको मिल जाएगा, ये देखो मतलब आपको हर एक ब्रांड की पॉली पैक मिलेगा, और ऐसा नहीं कि आपको उसे उठा के कहीं से भी दे दिया, कुछ भी नहीं, पूरा पैक पॉली पैक विद ब्रांड नेम विद ब्रांड टैग विद ब्रांड बिल विद ब्रांड एमआरपी सब हर चीज ब्रांड मिलेगा आपको। ये देखिए ये 46 साइज है, देखिए अच्छा ये इतना बड़ा साइज, मतलब साइज में मेरे पास है कुर्तीज में आपको ये वाले ब्रांड में आपको 46-48 साइज तक आपको देखो कितना काफी बड़ा साइज है, ये 46 जो है ना ये भी 48 तक जाएगा, 48 तक जाएगा जी बिल्कुल, ये जाता है क्योंकि ब्रांड का फॉर्मा अलग होता है, ठीक है। ये देखो ये सारा आपको मिल जाएगा, पैकिंग देखिए पूरा ऐसे पैकिंग कंडीशन में माल आता है, ठीक है। रंगनीति का आपके पास कोई बिल है मतलब आप? हाँ मैं ब्रांड बिल वाला दिखा देती हूँ, आप बिल एक बार दिखा देंगे ना तो कंफ्यूज क्लियर खत्म हो जाएगा। ये देखिए लोग जो ब्रांड बिल बोलते हैं ना इसको बोलते हैं ब्रांड बिल, देखिए ये देखिए इसमें रंगनीति का आपने देखा था, रंगनीति का बीबा फैशन लिमिटेड ब्रैकेट में रंगनीति लिखा है, बीबा का सब ब्रांड है ये, रंगनीति का लोगो रहेगा, इधर बारकोड रहेगा मेरा, देखिए मेरा वेंडरशिप मेरा वेंडर आईडी देखिए मेरा फार्म का नाम मेरा जीएसटी नंबर सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रांड बिल, ये है ये ब्रांड बिल, इतना पेजेस का बिल है, सारा एक एक पीसेस का एंट्री है मेरे पास, एक एक पीसेस का बार कोड स्कैन होके मेरे पास माल आता है, एनओसी मिला हुआ है, बिल्कुल एनओसी मिला हुआ है। मैं जो लोग ये ब्रांड बिल बोल के बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं ब्रांड का जो टैग है, ये देखिए मैं बताती हूँ, ये जो ब्रांड है ये वाला देखिए इसका पीस जो है ये वाला जो ब्रांड है इसको बोलते ब्रांड बिल बोल के लोग चिपकाते हैं, पर ये नहीं है, इसको ब्रांड बिल नहीं बोलते, ये तो क्यूआर कोड है, इसको बार कोड बोलते हम लोग। अच्छा हमारे इसमें इसको बार कोड बोलते बार कोड टैग, बस ये हो गया लेवल, ये हो गया बार कोड टैग। और देखिए बीबा फैशन लिमिटेड ब्रैकेट में रंगरेजी लिखा है, बीबा का सब ब्रांड है ये, रंगरेजी का लोगो रहेगा, इधर बार कोड रहेगा मेरा, देखिए मेरा वेंडरशिप मेरा वेंडर आईडी देखिए मेरा फार्म का नाम मेरा जीएसटी नंबर सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रांड बिल, ये है ये ब्रांड बिल, इतना पेजेस का बिल है, सारा एक एक पीसेस का एंट्री है मेरे पास, एक एक पीसेस का बार कोड स्कैन होके मेरे पास माल आता है, एनओसी मिला हुआ है, बिल्कुल एनओसी मिला हुआ है। मैं जो लोग ये ब्रांड बिल बोल के बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं ब्रांड का जो टैग है, ये देखिए मैं बताती हूँ, ये जो ब्रांड है ये वाला देखिए इसका पीस जो है ये वाला जो ब्रांड है इसको बोलते ब्रांड बिल बोल के लोग चिपकाते हैं, पर ये नहीं है, इसको ब्रांड बिल नहीं बोलते, ये तो क्यूआर कोड है, इसको बार कोड बोलते हम लोग। अच्छा हमारे इसमें इसको बार कोड बोलते बार कोड टैग, बस ये हो गया लेवल, ये हो गया बार कोड। अब एक्चुअली मालूम पड़ गया होगा कि सरप्लस का जो ब्रांडेड माल बेच रहे विद एनओसी ब्रांड बिल के साथ और विद बहुत लोग टेंशन में रहते हैं कि ब्रांड का माल लेते अगर कोई मेरे को कोई दिक्कत आया तो कोई अगर कंप्लेन कर दिया तो कुछ कॉपीराइट इशू हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मेरे पास माल ये वाला पीस अगर मैं किसको बेच रही हूँ तो ब्रांड के पास इसका खबर है कि ये वाला पीस कृतिका क्रिएशन मुंबई में गया है, करेक्ट। तो कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, आप आराम से बेचो, खुले आम बेचो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। मतलब आप जो बिल देंगे वो बिल जीएसटी वाला होगा? मेरा जीएसटी बिलिंग होता है, मेरा जीएसटी बिलिंग होता है, जो रेट बोल रही हूँ उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा, एंड जीएसटी बिलिंग करंट अकाउंट में पेमेंट
ये सब सब कुछ प्रॉपर मतलब होता है। आप आपको समझा दो, अगर आप 75 का कोई 5 बंच ले रहे हैं तो उसका जो अमाउंट होगा उस पे 5% आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल जीएसटी पे जीएसटी बिलिंग होता है क्योंकि ये खुद भी जीएसटी पे करके पे माल मैं पूरा एक एक पीस का जीएसटी भरती हूँ मैं। ओके तो आपको भी जीएसटी भर के लेना होगा। करेक्ट। देखिए अभी आपने देखा था, पहले देखा था वेस्टर्न टॉप देखा था, फिर कुर्तीज देखे, अभी आप देखा था वेस्टर्न टॉप सब कुर्ती देख रहे हैं। ड्रेसेस भी मैंने बीच में दिखा दिया है, ये देखिए ये देखिए ये सब कुर्तीज आपको मिल जाएगा और काफी अच्छे रेट में मिलेगा, ताकि ये आप आगे बहुत अच्छे रेट में इसको सेल कर सकते हो। Correct. इसमें बहुत मार्जिन रहता है। ये जो सारा मैंने ड्रेसेस वगैरह जो कुर्तीज वगैरह दिखाया ना, ये ऑनलाइन पे ना बहुत रेट पे सेल हो रहा है। मतलब अगर आप कुछ एमआरपी के ऊपर 50% सेल लगा के दे दो ना, तो भी इसको आगे आप बहुत अच्छा उसका मार्जिन निकाल सकते हो। बेनिफिशियल है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको थोड़ा बॉटम्स दिखा देती हूँ, ठीक है। बॉटम्स का जो रेंज है वो 149 से 250 तक मेरे पास है, ठीक है। ये देखिए ये जेगिंग्स आ जाएगा, ऐसे जेगिंग्स मिल जाएगा इसका, आप देख लो ब्रांड टैग है, ठीक है। ओके इसका एमआरपी देख लो, सब कुछ रहेगा, ब्रांड रहेगा, ये ब्रांड फैक्ट्री का ब्रांड है, ब्रांड फैक्ट्री में ये ब्रांड बिकता है। ओके ठीक है। ये देखिए इसका सेकंड कलर, सेकेंड कलर मिल गया। और साइज कितने मिलेगा? साइजेस मेरे पास बॉटम में 26 से लेके 34 तक है। ये स्कर्ट आएगा काजो ब्रांड का, देखिए काजो का ये आएगा, स्कर्ट आएगा काजो में भी आपको ब्रांड मिल जाएगा। 2000 का एमआरपी है, जो मेरे इधर 1990 का एमआरपी वाला माल 199 में मिलेगा। मतलब सोच लिया 10% 10% पे आपको एमआरपी के 10% पे आपको मेरे पास मिल जाए। ऐसे जॉगर्स मिल जाएंगे, इसमें मेरे पास काफी ऑप्शंस है। ये वाले जॉगर्स जो है इसमें मेरे पास देखे इधर पूरा लगा हुआ है माल, ये सारा कलर ऑप्शंस लगा हुआ है। इसमें काफी कम से कम 7 से 8 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा जॉगर्स में, और ये सारा बहुत कंफर्टेबल। इसका एमआरपी आप चेक कर लो, ये देखो 1599 के एमआरपी वाला है, ठीक है। ये सब आपको मेरे पास मिल जाएगा, इसमें काफी कलर ऑप्शन से मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए सब वाइड लेग वाला पैंट जो है बहुत चल रहा है, ठीक है। ये है, ये शीन का बॉटम है, शीन का भी शीन में मेरे पास स्टॉक आया था पर उसका टॉप्स एंड ड्रेसेस निकल गए। बॉटम सबको मिल जाएगा शीन का। ओके शीन काजो फैमिला ये सब ब्रांड का आपको मेरे पास प्लस है, ये सब ब्रांड का आपको ये मिलेगा, मिल जाएगा। ओके ठीक है। तो आई होप आपको पूरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा, कमेंट में बताइएगा कैसे लगा आपको मेरा वैरायटी, कितना कितना हमने स्टॉक रखा है। वो तो मैंने कुछ भी नहीं दिखा पाया, शायद हार्डली 1% मैंने आपको सैंपल दिखा पाई। तो जिनको आना है वेयर हाउस विजिट करना है उनके लिए बताना चाहती हूँ, मेरा जो वेयर हाउस है वो है साकीना का चांदी वाली बस स्टॉप के बाजू में, अंसा इंडस्ट्रियल पे सी विंग। तो डेफिनेटली विजिट कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है विजिट करना, क्योंकि टच एंड फील का जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ही अलग होता है। आके देख के लेके जाइए तो फिर आपको भी एक रहेगा कि हाँ मैं ये चीज कॉन्फिडेंटली आगे सामने सेल कर सकती हूँ, ठीक है। और मेरा जो टाइमिंग रहता है मंडे टू सैटरडे 10:30 to 7:30 और संडे क्लोज रहता है। एंड जो लोग बाहर के जो कस्टमर है, जो लोग आ नहीं पा रहे उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो वीडियो कॉलिंग, क्योंकि हम लोग कैटलॉग या फिर पीडीएफ के थ्रू ऑर्डर नहीं लेते क्योंकि सारा असॉर्टेड रहता है। तो इसके लिए मेरे लिए किसी में एक पीस या किसी में दो पीस, वो हमारे लिए कैटलॉग मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल के लिए स्लॉट बुकिंग करना होता है 500 रुपीज देके, एंड जो 500 रुपीज है वो आपके फाइनल बिल में एडजस्ट हो जाता है। तो मैडम आपने ये पूरी जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दी वो भी डिटेल के अंदर, और मुझे बुलाया वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए आपका अत्यंत बहुत शुक्रिया मैडम। सर थैंक यू आपको कि आप आए और आपने इतना अच्छे से पूरा चीज कवर किए, और मेरे को मौका मिला कि मैं व्यूअर्स को पूरा चीज पूरा इन्फॉर्मेशन आपके चैनल के थ्रू इसको पास कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।